हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ची स्पेशल। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट्स देयर इन माय बैग। जी हाँ, हम डिस्कस करने वाले हैं उन सारी इसेंशियल चीज़ों के बारे में जो हमें हमारे बैग में रखनी चाहिए जब हम घर से बाहर निकले। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको करना है एक काम, जो कि है सब्सक्रिप्शन। फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। डन। चलो तो फिर बढ़ते हैं हम मेरी बैग की तरफ। देखिए, ये है मेरी बैग जो मैंने ऑनलाइन नहीं, मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज की है। और हाँ, बैग खरीदते वक्त मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखती हूँ कि वो बैग 2-3 कंपार्टमेंट से बनी हुई हो। मुझे एक कंपार्टमेंट वाली बैग बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि एक ही कंपार्टमेंट में हम सारी छोटी मोटी चीज़ें डालते हैं और जो चीज़ हमें उस वक्त चाहिए वो निकालने के लिए हमें सारी चीज़ें बाहर निकाल के ढूंढना पड़ता है, तब कहाँ जाके वो चीज़ मिलती है। तो इससे अच्छा है, मुझे पार्टीशन वाली बैग ज़्यादा पसंद है, ताकि हर एक पार्टीशन में हर एक चीज़ रखी जाए और जब मुझे जो चाहिए वो पार्टीशन में ओपन करके उसमें से वो चीज़ ले लूँ। तो ये मेरी जो बैग है, इसमें 7 कंपार्टमेंट्स है। यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट्स हैं, फिर बैक में 1 कंपार्टमेंट, फ्रंट पे 1 कंपार्टमेंट है, एंड 2 एंड 1 इनसाइड। तो इस तरह की ये बैग है। इसमें अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रंट कंपार्टमेंट से। फ्रंट कंपार्टमेंट में मैं हमेशा रखती हूँ मेरा फ़ोन। फ़ोन ऐसी चीज़ है जो आजकल सबके लिए ज़रूरी है। मैं इसे सामने रखना पसंद करती हूँ, ताकि जब भी मैसेज या फ़ोन आए तो मैं जल्दी से जल्दी उसे पिक कर सकूँ। उसके बाद इसमें है डायरी एंड अ पेन। तो ये बहुत ज़रूरी मैं सोचती हूँ मेरे पास रहना, क्योंकि हमेशा कोई जो भी छोटी मोटी लिस्ट बनानी है मैं इसमें बनाती हूँ। ये स्पाइरल डायरी मैंने ली है, ताकि उस छोटी मोटी लिस्ट का जब काम हो जाए तो मैं उसे फाड़ के फेंक सकूँ। बहुत बड़ी डायरी मुझे कैरी करना पसंद नहीं है। इसी के पीछे मैंने 2-3 फ़ोन नंबर्स जो है वो लिख के रखे हैं। एट द वर्स्ट केस, अगर मेरा मोबाइल गुम जाता है या फिर उसकी बैटरी लो हो जाती है या फिर वो हैंग हो जाता है, तो उस वक्त मुझे 2-3 जो ऐसे नंबर्स हैं इम्पोर्टेंट, वो मुझे बाय हार्ट होने चाहिए, तो जो आजकल नहीं है किसी के पास। तो इसलिए मैंने वो डायरी में मेंशन करके रखे हैं, ताकि मैं कहीं से भी उनको कॉन्टैक्ट करके मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। तो ये 2 चीज़ें और एक फ़ोन, ये मैं हमेशा रखती हूँ। तो ये हो गया फ्रंट कंपार्टमेंट। उसके बाद मिडल में यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट्स हैं। उसमें जो पहले वाला कंपार्टमेंट है उसमें सारी छोटी मोटी चीज़ें मैं रखती हूँ, जैसे कि हैंकी, सैनिटाइज़र। ये पहले से मेरे पास रहता था, अब तो कोरोना की वजह से हर किसी के बैग में रहता ही होगा, तो सैनिटाइज़र। फिर मेरे पास है वेट नैपकिन्स। ये मैं इसलिए रखती हूँ मेरे साथ, क्योंकि अगर हम धूप में या किसी धूल वाली जगह पे घूमते हैं तो उसके बाद चेहरे पे जो धूल मट्टी बैठ जाती है, तो उसको हमें निकालने के लिए ये वेट नैपकिन्स जो है वो बहुत काम आते हैं। तो ये वेट टिश्यू पेपर्स जो है ये मैं हमेशा मेरे बैग में रखती हूँ। उसके बाद क्लचर, ये क्लचर हमेशा मैं ब्लैक कलर का ही रखती हूँ बैग में, क्योंकि अगर मेरा मैचिंग जो भी क्लचर है वो अगर टूट जाता है तो मैं फटाफट मेरे बालों को इस क्लचर से बांध सकूँ। ये ब्लैक इसलिए लेती हूँ क्योंकि कौन से भी ड्रेस पे ये चल जाएगा। उसके बाद कॉम फॉर माय मेसी हेयर्स। देन परफ्यूम, ये मैंने कुछ रेमंड के शोरूम से लिया था, तो ये परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग है, तो ये एक में छोटा भी है कैरी करने के लिए, तो ये एक मेरे पर्स में हमेशा रहता है। कॉटन पैड्स, ये मैं हमेशा रखती हूँ, ताकि मेरी अगर मेरा काजल या फिर लिपस्टिक स्प्रेड हो जाए तो मुझे वो क्लीन करने के लिए हमेशा लगते हैं। देन अ कॉम्पैक्ट फॉर टच अप माय मेकअप। नेक्स्ट, ये एक और बहुत ही प्यारी सी चीज़ है मेरे पास। छोटा सा कंटेनर है जिसमें एक मिरर लगा हुआ है, और उसमें मैं छोटी चीज़ें रखती हूँ, जैसे कि ये मेरा बिंदी का पैकेट है। उसके बाद उसमें 2-3 में हेयर पिंस एंड सेफ्टी पिंस रखती हूँ फॉर द सेफ्टी। सो फर्स्ट कंपार्टमेंट हो गया, अभी हम सेकेंड पार्टीशन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है स्कार्फ, जो कि मुझे सन प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, और आजकल इसका मैं मास्क भी बना लेती हूँ। नेक्स्ट,
वॉलेट, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसमें रहते हैं मेरे कार्ड्स और थोड़े बहुत पैसे, और इसी के साथ में इसमें रखती हूँ मेरे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ और एक पेन ड्राइव, माय सनग्लासेस, एंड नेक्स्ट इज अ वाटर बॉटल। हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी लिक्विड डाइट भी मेंटेन रहती है। बाहर का पानी पीने से अच्छा है हम घर का ही पानी कैरी करें, और अगर आपको ज़्यादा बातें करने की आदत है तो आपके पास तो बॉटल होनी ही चाहिए। तो ये दो बड़े कंपार्टमेंट्स थे जो हमने देखे। उसके बाद इसके अंदर एक छोटा कंपार्टमेंट भी है जिसमें मैं हमेशा रखती हूँ की, ये बहुत ज़रूरी है कि संभाल के रखी जाए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं तो निकालते वक्त वो कहीं गिरनी नहीं चाहिए, इसलिए वो मैं इसको हमेशा अंदर के कंपार्टमेंट में रखती हूँ। अभी बैक साइड वाला कंपार्टमेंट, उसमें मैं रखती हूँ, ये भी बहुत प्यारा सा कंटेनर है जिसमें सेफ रहते हैं मेरे ईयरफोन्स, हेडफोन्स, ताकि जब भी ट्रैवलिंग हो या कहीं जाना है तो मैं अच्छे से म्यूज़िक सुनते हुए जाऊं और मेरे म्यूज़िक से किसी और को डिस्टर्बेंस ना हो, इसीलिए इसे मैं हमेशा साथ में कैरी करती हूँ। इसी के साथ बैक कंपार्टमेंट में कुछ मेडिसिन्स हैं सिर दर्द और एसिडिटी की, जो मैं हमेशा मेरे साथ रखती हूँ, सिर दर्द हो या ना हो, लेकिन ये दोनों को हमेशा मैं अपने साथ रखती हूँ। तो अब बचे हैं ये दो छोटे कंपार्टमेंट्स। छोटे कंपार्टमेंट्स में इसमें मैंने रखी है लिपस्टिक्स टचअप के लिए, इन दो लिपस्टिक्स मैंने रखी है, दो अलग शेड्स की। और ये वाले कंपार्टमेंट में इसमें अ पेयर ऑफ इयररिंग मैंने रखा हुआ है, ताकि मेरी इयररिंग टूट जाए या फिर कहीं घूम जाए, गिर जाए, तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा होनी चाहिए, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इयररिंग रखी है। वो भी मैं मल्टी कलर की है, सिल्वर एंड मल्टी कलर, ताकि किसी भी ड्रेस पे वो मैचिंग हो जाए, तो ये एक इयररिंग भी मेरे पास है। तो इस तरह मैंने पूरा बैग आपके सामने खोल के दिखा दिया है। तो जैसे कि आपने देखा, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें निकली इस छोटे से बैग से, लेकिन मेरे ख्याल से ये सारी की सारी एसेंशियल चीज़ें थी। और आपने अगर ये आपके बैग में ऐड नहीं की है तो जल्द से जल्द उसे ऐड कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे बैग में कुछ और चीज़ें हैं जो मिस है या फिर जो चाहिए थी लेकिन नहीं मिली, तो वो मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा, मैं मेरी बैग जो है उसे अपडेट करूँगी। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाली हूँ। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।